दो प्रश्न हो गए। 177 जवाब मिल गया आपका। मैं सीधा पूरक की पूछूंगा, आरएसएमएम का वित्तीय वर्ष 2020-21-22-23 के लिए प्रस्तुत की गई विवरण अनुसार सामाजिक सरोकार दायित्व का नितांश कितना निर्धारित और कितना प्रतिशत खर्च किया गया? क्या निर्धारित नितांश संपूर्ण खर्च किया गया है? यदि हाँ तो विवरण सदन की मेज पर रखें, नहीं तो कारण बताएं। और साथ ही साथ ये जो लिस्ट मुझे भेजी गई है, मेरा निवेदन रहेगा कि क्या इसकी भौतिक सत्यापन किया गया है, और अगर नहीं तो क्यों, और करवाएंगे तो कब तक करवाएंगे? साथ ही साथ अरे एक दूसरा हो गया, इनका उत्तर दिया, फिर दूसरा प्रश्न पूछना। आओ माननीय मंत्री महोदय। माननीय मंत्री महोदय, डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है? प्रश्नकाल समाप्त। जवाब माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है। पहला, श्री डूंगराम गेदर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ में अनियमित विद्युत आपूर्ति से किसानों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इस पर विचार किया जाए, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। दूसरा, श्री चंद्रभान सिंह चौहान सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा जारी डोडा चूरा नष्टीकरण आदेश से किसानों में व्याप्त असंतोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में। तीसरा, श्री हरिमोहन शर्मा एवं 23 अन्य सदस्यों की ओर से दिनांक 24 जून 2024 को कांग्रेस पार्टी द्वारा कोटा में प्रदेश की समस्याओं हेतु